नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर नए मोटर वाहन कानून लागू करने के बाद देश में एक और जबरदस्त गुस्सा है। वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों ने मोदी सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जिससे हम आपको पूरी तरह से जानकारियां देंगे। लेकिन अगर आप भी इस कानून का जबरदस्त विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून को महाराष्ट्र में लागू करने से मना कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस कानून के तहत बड़ी संख्या में लोगों से भारी संख्या में चलान वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार होने वाले चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक नहीं है और साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कानून का इस्तेमाल केवल जनता से वोट लेने के लिए किया जा रहा है। जहां पर जब चुनाव होने वाले हैं तो जनता को इस कानून से दूर रखा जाएगा, लेकिन जहां जहां चुनाव नहीं होने वाले वहां पर बीजेपी इस कानून को लागू करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी के द्वारा कहा जा रहा है कि नए मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद देश के अंदर रोड एक्सीडेंट घट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कानून का दुरुपयोग करके तमाम तरह के कानून का डर दिखाकर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है और साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद नितिन गडकरी को समझना चाहिए कि जनता जब सड़क पर निकलना ही बंद कर देगी तो कैसे एक्सीडेंट होंगे। यानी सरकार इस तरह से जनता को सड़क पर आने से रोककर एक्सीडेंट को कम करने के लिए अपने मुहिम में लगी हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर नितिन गडकरी की ओर से जो बयान दिया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी है, क्योंकि एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस पर जमकर विरोध किया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास के सामने प्रदर्शन किया गया है। हम आपको बता दें कि इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से आंदोलन की शुरुआत की गई है और मोटर व्हीकल एक्ट को तुरंत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर समझौते के मूड में नहीं है और हरियाणा, राजस्थान और तमाम तरह के अन्य राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का जमकर विरोध किया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर होने वाले चुनाव से पहले यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जनता के बीच जाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी ने नई तैयारियां कर ली है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जहां पर बीजेपी से नव निर्वाचित भीलवाड़ा के नगर परिषद की सभापति ललिता समदानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के अंदर नगर पालिका के कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी कामयाबी के बल पर नगर पालिका के चुनाव में वोट मांगने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर सुशील मोदी ने 2020 में नीतीश कुमार को अपना कप्तान बताया, लेकिन बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, जिसके बाद ये बड़ी खबर आ गई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में लगातार घमासान जारी है। दरअसल बीजेपी के MLC संजय पासवान के द्वारा CM नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने की सलाह दी गई थी और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का CM बनाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए नीतीश कुमार को मैदान में उतारा है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमला करने से बिल्कुल भी कतराते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गर्दन काट दूंगा, हटो एक तरफ। हम आपको बता दें कि इस तरह से सुरजेवाला ने कहा कि अपने नेताओं के रवैये को मुख्यमंत्री ने ऐसा बना रखा है जो अपने लोगों को ही इस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो जनता के साथ क्या करेंगे। दरअसल रणदीप सुरजेवाला की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर यह तंज कसा गया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड को लेकर भी एक बार फिर से सभी नेताओं से मुलाकात करके जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाएगा। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कर्नाटका के बीजेपी के डिप्टी CM ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश के अंदर इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री गोविंद M करजोल ने सड़क दुर्घटना को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कें दुर्घटना की वजह बनती हैं, बल्कि सही और सुरक्षित सड़कों की वजह से ही दुर्घटना होती है। हम आपको बता दें कि खराब सड़कें दुर्घटना की वजह नहीं बनती, ये कहते हुए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि जहां सुरक्षित रोड होते हैं, जहां पर अच्छी सड़कें होती हैं, वहां पर ज्यादा हादसा होता है। यानी साफ तौर पर सरकार को रोड बनाना चाहिए और इस बात को खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खराब रोड का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप पल पल की अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि
पार्टी केंद्र के द्वारा लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट को पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जबरदस्त विरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं किया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि केंद्र की ओर से जारी इस कानून में कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर इस कानून को लागू कर सकते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मोटर व्हीकल एक्ट को पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने लागू किया तो लोगों को इसका बोझ झेलना पड़ेगा। हम लोग से अपील करते हैं कि सही तरीके से ड्राइव करें और अपनी जिंदगी बचाएं, इसी से दुर्घटना का काफी हद तक रोक सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने संसद में भी इसका विरोध किया था। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी देश के अंदर ऐसे बहुत से राज्यों में हैं जिन्होंने अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी इस कानून को लागू करने को लेकर दो टूक कहा गया है कि इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर हरियाणा के अंदर भी होने जा रहे चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार इस कानून को लागू करने के मूड में नहीं है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, राजस्थान, झारखंड के होने वाले चुनाव को लेकर कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी की ओर से हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ मुलाकात एक एक करके की गई है और आने वाले चुनाव के अंदर किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाएगी और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। कांग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, चाहे बीजेपी के नेता के द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र का मुद्दा हो। बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है और ऐसे में प्रियंका गांधी भी हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार कर सकती है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने समर्थन में वोट जुटाएगी। हम आपको बता दें कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्षों के ऐलान के साथ ही अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अभियान चलाने को भी इजाजत दे दिया है। दरअसल दोस्तों, सोनिया गांधी के मोर्चा संभालने के बाद से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सोनिया गांधी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर कमलनाथ का मुद्दा हो, सोनिया गांधी ने सभी मुद्दे को सुलझाया है। वहीं पर दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से भी चुनाव प्रचार फ्री रूप से किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पद ग्रहण करते हुए भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वे किस तरह की कदम उठा सकती है। अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देते हैं, जहां पर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीख जल्द ऐलान की जा सकती है। दरअसल दोस्तों, 2 से 3 दिन में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान बाद में किया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ऐलान कुछ ही दिन में हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार 2-3 दिनों में इसकी तारीख की घोषणा की जा सकती है। 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की अधिसूचना पहले आ सकती है। वहीं पर झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद में होने के संकेत मिले हैं और कई चरणों में मतदान हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर जिस तरह से नक्सल प्रभावित एरिया है उसको लेकर अलग से अरेंजमेंट किया जाना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर है, जहां पर दिवाली से पहले महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वोटिंग और मतदान की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। साल 2014 में दोनों राज्य के अंदर चुनाव की तारीख का ऐलान 20 सितंबर को हुआ था और 15 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। वही चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आ सकते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर मधेपुरा के जिला गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रेणुका कुशवाहा ने बिहार के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस तरह का बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राखी बहन रेणुका कुशवाहा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब वह भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार दरारें बढ़ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जहां पर दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के करीबी साधु संत समाज, उनके प्रति हमदर्दी को खत्म हो चुका है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा अब चिन्मयानंद स्वामी का बचाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की ओर से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है और SIT की जांच बुलाई गई है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर नगर पंचायत के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर नई तैयारियां की है और कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत ये बेहद बड़ी खबर आ रही थी, जिससे हमने आपको अपडेट दर्ज कराया है। आपको खबर कैसी लगी, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।